नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर आपका इस चैनल पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए महत्वपूर्ण जानकारी। तो जूनियर इंजीनियर की वैकेंसी का आपको इंतजार था, तो आज हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आए। बहुत सी वैकेंसी जो अभी भरी जा रही है। कल बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि मैकेनिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियरिंग की अगर कोई वैकेंसी है तो आप उनके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन बताएं। तो आज हम आपके लिए इन्फॉर्मेशन लेकर आ गए। तो शुरू करते हैं वीडियो को। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के लिए आप इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन आएगी जिस पर आपको ऑल पर प्रेस करना है। उसके बाद आपने जाना है वीडियो को आप लाइक करिएगा ताकि आपको जो भी हम आपको सूचना देते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। उसके बाद अगर आपको जानकारी हमारे द्वारा दी गई अच्छी लगती है तो आप शेयर पर क्लिक करेंगे और शेयर पर क्लिक करने के बाद अपने दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन दे सकते। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी की गई है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंस एंड पेंशनर की, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। ये वैकेंसी आपकी भरी जाएंगी एसएससी के थ्रू। बहुत सी वैकेंसीज में आपकी भरी जा रही। नेम ऑफ द पोस्ट है जूनियर इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड अदर। जो इन्फॉर्मेशन की हम आपको, एडमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी शुरू हो चुकी है। लास्ट डेट है आपकी 12 सितंबर 2019। अभी 12 से 13 दिन का आपके पास टाइम है। ये वैकेंसी जो है आपकी भरी जा रही है, शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। उसके बाद अगर आपको इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए जैसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आपको ये एडवर्टाइजमेंट डाउनलोड करना है तो आपको लिंक हम दे देंगे कमेंट बॉक्स में या डिस्क्रिप्शन में, उसको आप कुछ टाइम में चेक जरूर कर लीजिएगा। सेंट्रल बॉर्डर कमीशन के थ्रू ये पोस्ट भरी जाएंगे जूनियर इंजीनियर की और मैकेनिकल इंजीनियर, जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल है, सिविल इलेक्ट्रिकल। तो ये वैकेंसी जो अलग अलग उसमें आपकी भरी जाएगी, जैसे मिलिट्री इंजीनियर सर्विस MES में ये आपकी वैकेंसी भरी जाएंगी और सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD में ये आपकी वैकेंसी भरी जा रही है। तो इनको आप नोट कर सकते हैं, ये आपका ऑर्गेनाइजेशन बताया हुआ है। ये वैकेंसी आपकी जूनियर इंजीनियर की आपकी भरी जा रही है, ठीक है। इनको आप नोट कर सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रही है। आप चाहे तो वीडियो को रोक लीजिएगा, अगर आपको टाइम चाहिए तो इन वैकेंसी को आप नोट कर लीजिएगा। वैकेंसी जो आपकी ये भरी जाएंगी इसके लिए आपको रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी, ठीक है। और जो फिजिकल हैंडीकैप पर्सन है उनके लिए भी इसमें रिजर्व वैकेंसी होगी, तो वो लोग भी इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके लिए नेशनलिटी क्या चाहिए, तो कौन अप्लाई कर सकते हैं, आप भारत के चाहे जिस भी स्टेट से आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम होगा ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम इसका होगा और आपके स्टेट में एग्ज़ाम इसका होगा, ठीक है। डोंट वरी, आपको कहीं अदर स्टेट में आपको कहीं और नहीं जाना पड़ेगा इसका रिटर्न एग्ज़ाम देने के लिए। नेशनलिटी देख लीजिएगा, ए कैंडिडेट मस्ट बी अदर सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, ये आपको बताए हुए। आप भारत के आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद जो महत्वपूर्ण है कि एज क्या होनी चाहिए, तो एज जो आपकी काउंट किए जाएगी 1/1/2020 को, तो इसमें आपको बताया हुआ सेंट्रल बॉर्डर कमीशन जूनियर इंजीनियर आपकी एज बताई हुई देख लीजिएगा, आप टू 32 ईयर, ये इससे ऊपर आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये आपको इसमें बताया हुआ है कि आपकी वैकेंसी भरी जा रही है। तो सेंट्रल बॉर्डर कमीशन की, सेंट्रल PWD की ये वैकेंसी आपकी भरी जाएंगी मिलिट्री इंजीनियर सर्विस के थ्रू और एज लिमिट आपकी स्क्रीन पर ये आ रही, इसको आप वीडियो को रोक कर भी देख सकते हैं। उसके बाद आपकी स्क्रीन पर देख रहे हैं आप ये कैटेगरी वाइज ऑर्गेनाइजेशन नेम, ये आपका पोस्ट नेम, एज और किस प्रकार से भरे जाएंगे उसकी जानकारी अब आपको हम आगे दे देते हैं। अब एज आपकी 32-35 बताई हुए, तो 5 साल की छूट आपको मिल जाएगी SC ST के लिए, 3 साल की OBC के लिए, फिजिकल हैंडीकैप जो जनरल से बिलोंग करते हैं 10 साल की छूट, OBC जो फिजिकल हैंडीकैप बिलोंग करते हैं उनके लिए 13 साल की, और SC ST से जो फिजिकल हैंडीकैप है उनको 15 साल की छूट, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल की छूट मिल जाएगी, और जो इफेक्टेड फैमिली है उनके लिए 5 साल की इसमें छूट मिल जाएगी, और इसमें डिफेंस जो पर्सन है उनके लिए आपकी 3 साल इसमें छूट मिली हुई है, तो इनको आप नोट कर लीजिएगा। अब जो महत्वपूर्ण है कि किस प्रकार से आपका सिलेक्शन होगा, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो इसके लिए आप इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लीजिएगा, हालांकि आपकी स्क्रीन पर भी आ रही है। पोस्ट नेम और इसके लिए सैंपल आपको इंजीनियरिंग आपने की हुई है सिविल, जिस प्रकार से जो पोस्ट है, जिस प्रकार से अगर आपकी सिविल की भरी जा रही है तो सिविल में आपने इंजीनियरिंग की, आप अप्लाई कर सकते हैं मैकेनिकल वाले मैकेनिकल में, और PWD में ये वैकेंसी आपकी भरी जाएंगी, तो इसके लिए सिविल की सिविल। तो हर पोस्ट आपको इसी प्रकार से सैंपल आपको इसमें मांगा हुआ है, ठीक है। सिर्फ 1-2 वैकेंसी जिनके लिए आपको एक्सपीरियंस इसमें मांगा हुआ है, बाकी जो है इनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये वैकेंसी एडवर्टाइजमेंट को आप डाउनलोड कर लीजिएगा और उसके बाद इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। महत्वपूर्ण जानकारी हाउ टू अप्लाई, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। 100 रुपये आपकी मात्र इसके लिए फीस होगी, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन आप अपनी फीस जो सबमिट करवा सकते हैं। अब जो महत्वपूर्ण एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ होंगे, तो सेंटर रीजन के जो आपके सेंटर है वो आपकी स्क्रीन पर आ रही है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और वेबसाइट भी आपकी स्क्रीन पर आ रही है ssc.cr.org, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर एंड स्टेट सर्कल सेंटर कोड जो आपकी स्क्रीन पर ये आ रहा है, ठीक है, इनको आप नोट कर लीजिएगा। बिहार और उत्तर प्रदेश से सेंटर रीजन में आपके आएंगे, उसके बाद नेशनल रीजन में ER में आपके आएंगे, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है अंडमान निकोबार झारखंड उड़ीसा सिक्किम वेस्ट बंगाल, स्क्रीन पर वेबसाइट आपकी आ रही है। उसके बाद आपकी आएंगे कर्नाटका केरला रीजन में, ये आपकी लक्षद्वीप कर्नाटका केरला, वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है। मध्य प्रदेश में आपके ये रहेंगे छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, और इसके लिए वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है। नॉर्थन ईस्टर्न जोन में आपके रहेंगे अरुणाचल प्रदेश असम मणिपुर मेघालय मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा, वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है। उसके बाद जो नॉर्थन रेंज है इसके लिए दिल्ली राजस्थान रहेंगे, वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर आ रही है। नॉर्थन वेस्टर्न जो जोन है आपका इसमें रहेंगे आपके चंडीगढ़ हरियाणा हिमाचल है जम्मू कश्मीर है पंजाब है, इसके लिए जो वेबसाइट है आपकी वो रहेगी आपकी ssnwr.org, इस पर जाकर आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी। उसके बाद साउथर्न रीजन में आपके आएगा आंध्र प्रदेश पुदुचेरी तमिलनाडु एंड तेलंगाना, इसके लिए आप अप्लाई जरूर करेगा। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। गुजरात महाराष्ट्र गोवा दमन दीव दादरा एंड नगर हवेली वेस्टर्न रीजन में ये आपकी इस प्रकार से पोस्ट जो ये आपकी भरी जाएगी। एग्जामिनेशन सिलेक्शन जो एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड टू पेपर, पेपर वन कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन एंड पेपर टू जो है आपका वो डिस्क्रिप्टिव टाइप, इसमें आपको बताया हो तो सिलेबस आपकी स्क्रीन पर हम आपको बता देंगे किस प्रकार से एग्ज़ाम होगा, उसकी जानकारी आपकी स्क्रीन पर आ रही है। वीडियो को आप रोक कर इसको पूरा पढ़ लीजिएगा। पेपर टू किस प्रकार से होगा तो इसके बारे में भी इन्फॉर्मेशन आपकी स्क्रीन पर आ रही है। आप सिलेबस जाते जाते हम आपको बता देते हैं, ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। पार्ट वन सिविल इंजीनियरिंग के लिए ये आपको इसमें बताया हुआ, पार्ट टू इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियर के ये इसमें आपको ये बताया हुआ, इनको आप पढ़ लीजिएगा। अगर इसको आप जो ये जो नोटिफिकेशन अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो आप कमेंट करें, कमेंट पे हम आपको इसका लिंक बता देंगे। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है SSC की ऑफिशियल नोटिफिकेशन, आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे। आज के लिए इतने, नमस्कार, जय हिंद जय भारत। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को आप जरूर दबा दीजिएगा ताकि हमें भी पता चल सके कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के लिए आप इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। सब्सक्राइब करने के बाद आपको एक बेल आइकन आएगी जिस पर आपको ऑल पर प्रेस करना है। उसके बाद आपने जाना है, वीडियो को आप लाइक करिएगा ताकि आपको जो भी हम आपको सूचना देते हैं इन्फॉर्मेशन देते हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। उसके बाद अगर आपको जानकारी हमारे द्वारा दी गई अच्छी लगती है तो आप शेयर पर क्लिक करेंगे, और शेयर पर क्लिक करने के बाद अपने दोस्तों को भी ये इन्फॉर्मेशन दे सकते।